ये करीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल है, मैं यूज़ कर रही हूँ सेसमे ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। इसमें मैंने करीबन 3-4 फ्लेक्स गार्लिक के छोटे बारीक काट के डाले हैं, और करीबन 4 बारीक छोटी जो लाल तीखी मिर्च होती है वो काट के डाली है। इसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे। इसमें एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, इसे भी हम फ्राई करेंगे। 1/4 चम्मच हींग, जिसे हम अगेन फ्राई करेंगे। एक कश्मीरी मसाले की एक टिक्की है, जिसका हम छोटा सा हिस्सा क्रश करके कढ़ाई में डालेंगे। ये हिस्सा हमने काट लिया है, अब इसे हमें क्रश करके कढ़ाई में डाल देंगे। ये है करीबन 1/2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 छोटे चम्मच कुटी हुई सौंफ, इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे मसालों के साथ। मसाले भुन चुके हैं और इसके अंदर हम कटा हुआ साग डालेंगे पकने के लिए। ये है 1 बंच हाक साग, जिसको मैंने धोकर साफ करके काट के अच्छी तरह से रख दिया है। अभी इसे हम कढ़ाई में डालेंगे पकने के लिए। इसको अब हम पकने देते हैं कढ़ाई में, और इसको हम ढक देते हैं ताकि ये आराम से पक जाए। जब ये मुलायम हो जाएगा तब इसमें हम नमक डालेंगे। इस कढ़ाई को ढक दिया है और इसको थोड़ी देर बाद खोल के देखेंगे अगर साग मुलायम हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी साग को पकते हुए लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट हुए हैं अभी, लेकिन अभी पूरी तरह से पका नहीं है, इसलिए हम दोबारा से इसे ढक के थोड़ा और पकने देंगे। साग को पकाते हुए करीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, और आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने आधा चम्मच डाला है। हमारा हाक साग पक के तैयार हो चुका है, और इससे एक बहुत अच्छी अरोमा, मतलब कि एक बहुत टेस्टी स्मेल आ रही है। आप भी बनाइए और खाइए। थैंक यू।